मैं चाहती थी कि अपने आप को इस बार कुछ गिफ्ट करूं और एक बिजी बर्थडे मनाना चाहती थी. और चूंकि मैं बहुत ज़्यादा जिमिंग कर रही थी, फिटनेस पे ध्यान दे रही थी, तो मुझे लगा कि मैंने कभी पोर्टफोलियो किया भी नहीं है. सो आई फेल्ट कि दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन आई शुड डू इट. एंड ऑफकोर्स जब आप 25 साल कम्प्लीट कर लेते हैं तो लाइफ में आपने बहुत कुछ समझा होता है, जाना होता है, और आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है लाइफ में. तो वाई नॉट उसको चेरिश करना और आगे ज़िंदगी में बढ़ना, और उन सब गलतियों से जो आपने की है, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है, उसे ना करते हुए कुछ अलग चीज़ें करना और कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करना. सो आई थॉट दैट वाई नॉट दिस टाइम आई शुड जस्ट वी ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग कि यू नो लोग मुझसे प्यार करें, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लव योर सेल्फ फर्स्ट. अगर आप अपने आप को प्यार करना सीख जाएंगे या करेंगे तो आई थिंक एवरीबडी विल लव यू. सो आई थिंक इट स्टार्ट्स विद इन यू. सो एक्चुअली आई पर्सनली फील दैट ट्रेडिशनल जो लुक है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हम इंडियन लड़कियों पर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हम चाहे जो भी कपड़े पहन लें, जितने भी कपड़े डाल लें, लेकिन जो बात लहंगे में और जो बात ट्रेडिशन में है वो नहीं होती है. हमने बहुत सारे लुक्स आज ट्राई किए. There were very many many look, like there was a bikini look of course, and there was a beach wear, then there was evening gown, then there were vogue wale bilkul you know style ke kapde, and there were small skirts and lot of things, you know. But maine yehi socha tha ki aapke samne aur jab main logon se interact karu to main jaisi hu personally, I love tradition and I love being like this, very girly and all that. So I thought why not I should wear this and talk to you guys. बॉलीवुड में आप सबसे ज़्यादा किस एक्ट्रेस को अडोर करती हैं और आप अपना स्टाइल आइकन मानती हैं? ऑफकोर्स इट हैज़ टू बी दीपिका पादुकोण एंड प्रियंका चोपड़ा. और ये बात किसी से छुपी नहीं है, द वे दे कैरी देम सेल्स एंड द वे दे रियली वर्क हार्ड. लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे दोनों को फॉलो करती हूँ और मैं देखती हूँ कि सुबह सुबह सब उठ जाते हैं दोनों के दोनों और इतनी मेहनत करते हैं जिम में, और दे आर लाइक इंस्पिरेशन. मतलब मैं ही नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ उनसे इंस्पायर होती हैं. और मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ इंस्पायर नहीं हूँ, मैं उनसे बहुत कुछ सीखूँ. और अगर मैं उनसे 50% भी सीख पाऊंगी तो शायद अपनी लाइफ में वहाँ पहुँच पाऊंगी जहाँ मैं डिज़र्व करती हूँ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इंस्पायर इन योर लाइफ एंड वर्क ऑन इट. इट्स नॉट लाइक अरे वाह बहुत अच्छे हैं ये लोग, वेरी गुड. यू हैव टू जस्ट वेक अप एंड देन यू हैव टू वर्क हार्ड एंड देर इज़ नो वे आउट. सी द पीपल लाइक अस हु आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, आई बिलोंग टू वाराणसी, एंड मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मैं वहाँ से यहाँ आई. सो आई डोंट हैव एनीबडी हियर, सो वाई नॉट वी शुड जस्ट वर्क हार्ड एंड लेट इट बी. सो आई ओनली फील लाइक दैट वी शुड नॉट चेज थिंग्स, वी शुड जस्ट बी देर एंड जस्ट यू नो वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क हार्ड, बी फोकस्ड एंड हैव सम रियली गुड फ्रेंड्स लाइक हर. ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता है कि मैं रिजोल्यूशन लूँ. मैं आपको अपने बारे में एक छोटी सी बात बताती हूँ. मैं हर दिन सुबह उठती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड. हमेशा मेरे मन में ये फीलिंग होती है, अमेजिंग फीलिंग होती है कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है. और वो एनर्जी हमेशा मेरे अंदर रहती है. रिजोल्यूशन ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलरली मैं बैठूँ और रिजोल्यूशन ले लूँ. खुद से अपने आप को एनालाइज करना, देखना कि अब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ लैक कर रहे हैं. अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती है तो मैं कभी डिसहार्टन नहीं होती. मैं हमेशा अपने मन में सोचती हूँ कि बिंदिया आपको ये चीज़ इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप मेहनत ही नहीं करते, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो मिलेगी कैसे. तो आपको वो सब कुछ छोड़कर अपने रिजर्वेशन से बाहर आना पड़ेगा. पता है सुबह उठने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है लेकिन जो लोग उसको अपने जहन से निकाल कर अपनी ब्रेन और बॉडी की जंग में अपने ब्रेन को जिताते हैं और बॉडी को हराते हैं, आई थिंक जीत उन्हीं की होती है. तो दैट्स वॉट आई ऑलवेज डू. ये मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा सिखाया है कि बेटा कोशिश यही करना कि बॉडी और ब्रेन में हमेशा ब्रेन की जीत हो, तो आप ज़िंदगी में हमेशा उन्नति के पथ पर चलोगे और हमेशा फोकस रहोगे और काम करोगे. सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इन. चाइल्डहुड से यही चीज़ करती आई हूँ. जब भी मुझे लगता है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ मैं भी घबराती हूँ, मैं भी परेशान होती हूँ, लेकिन फिर मैं यही सोचती हूँ कि जस्ट गिव अ स्माइल एंड लाफ इट आउट एंड थिंक कि और अच्छा करना है. एंड अगेन दूसरी एनर्जी के साथ चीज़ों को आगे लेकर जाती हूँ. एंड आई थिंक उसके बाद एट द एंड ऑफ इट मुझे लगता है सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं. सो नथिंग टू वरी अबाउट, नो वरीज अबाउट इट. बिंदिया आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे बिकॉज आपका आज बर्थडे है जी. तो आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगी? मैं कहाँ देखना चाहूँगी? मैं एक्चुअली आपको सच बताऊँ, मैं उनमें से हुई नहीं जो इतना ज़्यादा सोचें और इतना ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हूँ और इतना कुछ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ थी वाराणसी के एक छोटे से गांव में, आज मेरी ज़िंदगी वहाँ से यहाँ आई है, ये भी बहुत बड़ी बात है. मैं निवेदिता बासु जी के सीरियल देखती थी और मैं ये सोचती थी कि यार मतलब इतनी लेजेंडरी सीरियल हैं, उनके बारे में आप बातें करते हैं, सोचते हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी बेस्टी बन जाएंगी एक दिन और मैं वहाँ से यहाँ आकर इनसे मिलूँगी.
तो आई थिंक लाइफ हम चाहे जो भी करें बट वो चीज़ें जो निर्धारित हैं वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी ज़िंदगी में, तो उसके लिए इतना ज़्यादा बैठकर सोचना नहीं चाहिए.